ध्यान सिद्धि का वर्णन करिए जो अचिंत्य परम गुहा परम गोपनीय रहस्य आपने मुझसे कहा नहीं है। हे विभो, उस मंत्र तंत्र से जो मंत्र सिद्धि होती है वह बतलाइए। भास्कर उवाच, सूर्य देव कहते हैं, तुमने मुझे जो जिज्ञासा किया है उस सदा सदात्मक सृष्टि की जो बातें बतलाता हूँ। असत से प्रमथ तथा 16 अग्र वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, तदंतर क्रमश 27 वर्ण उत्पन्न हो गए हैं। दोनों को मैथिक करके अन्य 20 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। आदि से मैथित होने पर 16 अग्र वर्ण आयुनिज 25 उत्पन्न हुए हैं। परमेष्ठी प्रभति 7 लोग प्रमाण स्थान से निसृत हैं। परमेष्ठी के मुख से हठात दक्षिण चक्षु से कारण की उत्पत्ति हुई है। क्षणकाल में वाम चक्षु से क्रिया की उत्पत्ति, दाहिनी ओर मंत्र से सूत की उत्पत्ति हो गई है। इसके वाम दिक से विजस दोनों नासिका से उत्पन्न है। इससे श्रेष्ठ सोनी यथा क्रम से 2 लोग उपस्थित हो गए। तदंतर उनके निरोधार्य सृष्टि तथा संहार का कारण प्रकट हुआ है। ससंत्र प्रभति पर प्रणव आंत कारण युक्त इस प्रकार मस्तक वैसे ही अन्य योनि शेष से युक्त किया गया है। तदंतर हृदय के आगे शिव योनि देवी परम कारण निर्मित हुआ है। दक्षिण बाहु में समस्त क्रियाएं स्थापित हुई हैं। भुवन आदिपति जिनकी बीज योनि तथा दोनों के लिंग समीप प्रसूति को न्यास किया गया है, उनके पाद युगल से सृष्टि हुई है। यहाँ दोनों के लिए समीप अर्थात श्लोक 101 में वर्णित शिव योनि देवी जिनकी बीज योनि है तथा भुवन अधिपति जिनका लिंग है उधर्व से जो संहार करते हैं वह सर्वांगिक तथा विश्व नामक प्राणी की योनि स्थिता नाभि द्वारा प्रेरित होता है। जठर संस्थित अग्नि इस जगत का प्रकाशक है। लिंग के अतिशय एवं वीर्य विस्तार को अब कहूंगा। रथोत्तरा 60 जानना चाहिए जो आकाश को व्याप्त करके स्थित है। देव देव सूर्य की किरणें आकाश व्यापी एवं शहीन है। लोक मंगल अर्थ 10 करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभो, इन्हें परमात्मा शिव के समान जानना चाहिए। भुवनों में शिव योनि से उत्पन्न शांत कार्य पाताल दिक में विन्यस्त होकर अपनी शक्ति से उसका वर्णन करता है। देव देव के इस शिव आत्मक शरीर को अत्यंत गोपनीय जानना चाहिए। वैसे ही वह देह पूज्य तथा योजनीय है, वह 25 है। मनीषी गण योग में एक रस आत्मक कर्म योग करने के लिए कहते हैं, यह जानकर सुख से सिद्धि मिलती है। इसमें संदिग्ध होने पर सिद्धि नहीं मिलती। हे पितामह, शरीर के बीच के लिए आपसे यह सब कहा है। ज्ञानोत्तरम तत्व 3 है, बीज तत्व, वर्ण तत्व तथा योनि तत्व। ये चित्र तत्व तथा निष्कल सकल तथा सिद्ध ये 4 पदार्थ यहाँ बीज तत्व वर्ण तत्व तथा योनि तत्व को एक में ही गिना गया है। उनमें 25 सिद्ध भाव अर्थ है। अब इनका हृदय कहूँगा जो विभु का गुप्त से गुप्त तत्व है। उदर्व में 7 स्तोत्र तथा 12 नाल है। उसकी पंजिका है कर्णिका और मकर 5 प्रकार का कहा गया है। उसके 16 केसर तथा 12 दल विशिष्ट हैं। उसके 7 अंग एवं मेरु तथा मंदर भूषित है। 12 योनि प्रसिद्ध हैं। वह प्रति यंत्र में प्रतिष्ठ है। एक अक्षर परदेवता वर्णों के निमित्त बीजयुक्त प्रभु विराजित हैं। तत्व निर्मंथन करके उधर्व मात्रिका कला उत्पन्न हो सकती है। उसके प्रति बीज से कर्म को 16 अर्थ कहते हैं। उसके हृदयस्थ 7 प्रकार की आत्मा है। अर्ध कला सप्त श्रृंगकृत वह 7 कलात्मक है। यह तत्व ज्ञान का बीज है। इसके अनंतर परे कोई बीज नहीं है। प्रथम जो 15 है वह संज्ञा रूप है। बिंदु के साथ
प्लुत दीर्घ पर जानना चाहिए तथा यथा क्रम से विसर्ग जानना चाहिए। प्रथम केसर में आ से ओ तथा पर्यंत अवस्थी है। द्वितीय में का से हा पर्यंत स्थित है। आ से श पर्यंत 50 यंत्र संख्या है। हे प्रभो, बीज योनि कृत यही है। हृदय पद्म बीज योनि से उत्पन्न एक मंडल में यथा विधि दीक्षित सब व्यक्ति बीज के द्वारा पाप युक्त होते हैं तथा ध्यान के फल से मुक्त हो जाते हैं। निष्कल सकल एवं सकल निष्कल ध्यान तथा योग को जानना चाहिए। बीज उत्तरम। अब तत्व ज्ञान का वर्णन करता हूँ, तदंतर इन बीजों का वर्णन करूंगा। अनादि निधन ज्ञान गुहा से भी गुहातर है। यह समृज्ञ तथा उससे विस्तृत होकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात पहले में एक निहित था, तदंतर उससे विविक्त होकर अनेक रूप में विस्तृत हुआ है। उसमें धर्म वशी कामना का व्यवहार उत्पन्न होने लगा है। बलवान इच्छा का मैंने प्रकाश किया है, किंतु सैव्रत का नहीं किया। संहार की इच्छा से यह अवर्ग आविर्भूत हुआ है। प्रगति से उत्पन्न होकर उसने जीव हमें प्रवेश किया है। वर्ण संहार से ई वर्ण तथा ऊ वर्ण उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात मन की उत्पत्ति कही गई है। उसके अंत में बिंदु की उत्पत्ति है, जो सबके अंतर में प्रभु तथा नित्य है। वायु धारणा अर्थ कंठ से विसर्ग के साथ हाकाकार की उत्पत्ति हुई है। हाकार को उत्तर में जानो। वर्ण की उत्पत्ति अपने आप होती है। आ अवर्ण प्रयोग से उत्पन्न है, किंतु एकार अनुलोम क्रम में एवं विलोम शकार उकार तथा वेकार उत्पन्न है। तृतीय योग से व्योमकार विओकार की उत्पत्ति जाननी चाहिए। ये हर्स्व दीर्घ तथा विलुप्त वर्ण है। ये ओमकार के समान उत्पन्न नहीं होते। रंक र तथा रंक जी के अग्रभाग से उत्पन्न होते हैं। ईर्षत प्रविष्ट दूसरा इष्ट जब हनु से बाधा प्राप्त होते हैं, तब जीभा के मध्यस्थ तथा नाना से लेकर हनु के मध्य में दर्शन मिलता है। तालु से एक कार की उत्पत्ति होती है। यह होती है अ आकार की दग्ध सिद्धि के लिए। आ तथा ए के आदि तथा पूर्व से ई कार अर्ध, इसी प्रकार अविष्ट ओमकार की पर है। इसके पश्चात यह विस्तार का लक्षण अब विद्या तत्व की सिद्धि के लिए स्पर्श वर्ण की बात कहूंगा। जीभा के मूल में तथा हनुद्रह के मध्य में ककर आदि वर्णों का स्पर्श होता है। तृतीय वर्ण ट वर्ग में तालु का वेष्टन करके स्पर्श होता है। मूर्धन्य का देवता का तथा शिव मूल से चतुर्थ वर्ग तवर्ग का स्पर्श होता है। ओष्ठद्वय से पंचम वर्ग पवर्ग का स्पर्श होता है। यह है बीजों के साथ तत्व का स्पर्श। दांतों के मूल से लकार तथा चतुर्थ वर्ग तवर्ग ओष्ठ तथा दांतों से उत्पन्न है। प्रथम तथा मध्यम उष्म वर्ग है। ये नपुंसक तथा नासिका से उत्पन्न होते हैं। ये सब अनादि निधन सृष्टिकर्ता के महत अवव्य हैं। विधा तंत्र की वृद्धि के लिए वे इनसे सृष्टि करते हैं। मूल में लिखित आ से अ तक 16 स्वर्ण वर्ण है। ककार से मकार पर्यंत स्पर्श वर्ण है। य र ल व अंतः स्थल वर्ण है। श श स उष्म वर्ण के क ख घ यह वर्ण तथा नपुंसक है। तृतीय अध्याय में यह सिद्ध है। ज्ञानोत्तरे बीज स्वरूप प्रसव। अघ स्वर दो चतुर्थ वर्ण समूह उष्म वर्ण समूह तथा प्रथम वर्ण इन चारों को परवर्ती जानना चाहिए। तृतीय वर्ण स्पर्श संज्ञक तथा द्वितीयांत 4 है। चतुर्थ 3 है तथा तृतीय में 2 उत्तम है। तृतीय के आघ 4 तथा तृतीय अनुनासिका, इसी प्रकार पंचम एवं प्रथम अनुनासिक है।
चतुर्थ एवं अष्टक सुसृष्टि के योनि रूप है।